वेलकम डियर फ्रेंड्स, और ये हमारा कॉस्ट लेसन का हम क्विक रिवीजन करना पसंद करेंगे। तो ये कॉस्ट लेसन का आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम रीड आउट करेंगे। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। इसको सिंपल सा लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कॉस्ट इज अ एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स। अब कॉस्ट को बियर कौन करता है? तो प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। इनपुट्स में इनपुट दो प्रकार के होते हैं, फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको हम फैक्टर इनपुट्स कहते हैं, और नॉन फैक्टर इनपुट्स में जो रॉ मटेरियल वगैरह होते हैं वो नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं। तो कॉस्ट एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। कॉस्ट रेफर्स टू व्हाट? कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। और कॉस्ट दो प्रकार की हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्चुअल पेमेंट मेड ऑन हायर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस पेड टू द हायर्ड लेबर्स, रेंट पेड फॉर हायर्ड एकोमोडेशन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एट्सेट्रा। जो भी जिन भी चीज़ों को हम हायर करते हैं या मनी टर्म्स में पे करते हैं आउटसाइडर्स को अदर देन द एंटरप्रेन्योर्स, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंतर्गत आती हैं। एग्जाम्पल से और क्लैरिटी भी आती है, हायर लेबर्स जो ठेके पर या कह लें जो जिस लेबर को बुलाया जाता है काम करने के लिए, उस पर जो खर्च होते हैं उसको हम पेमेंट देते हैं, तो उसको रेंट पेड फॉर हायर एकोमोडेशन। मान लीजिए कोई बिल्डिंग आपने लिया रेंट के लिए, तो वो मतलब जिस मंथ पर भी हम खर्च करें और उसको मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम पे आउट कर रहे हैं कुछ भी पैसा, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होगा? कॉस्ट इनकर्ड ऑन द सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन ओनर कैपिटल, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, सैलरी फॉर द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर एट्सेट्रा। कॉस्ट इनकर्ड ऑन सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन ओनर्स कैपिटल, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, सैलरी फॉर सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर। मतलब जो कुछ भी अपना है जिसमें हम अपनी सर्विसेज का उपयोग करते हैं, अगर अपने बिल्डिंग में हम कुछ चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, तो वो हमारा हम किसी को पे आउट नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हम अपनी संपत्ति अपने एसेट्स का प्रयोग करते हुए करते हैं, वो हमारे इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि हम उसको एक अनुमान लगा रहे हैं, इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट भी कहते हैं, तो इसका अनुमान लगा रहे हैं कि इतना खर्चा होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ओनर्स कैपिटल हमारी कैपिटल होगा, अगर हम किसी को देते तो उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट ऑन ओनर्स कैपिटल, ठीक है। रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, अगर रेंट बिल्डिंग को हम देते हैं रेंट पर किसी को, तो हमको रेंट मिलता, लेकिन देने या वास्तविकता में हम देने नहीं रहे, किसी को कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है। सैलरी फॉर द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, अगर एंटरप्रेन्योर कहीं दूसरे से हायर किए होते काम करने वाले को, इंडस्ट्री को चलाने वाले को, तो हमको पे करना पड़ता, लेकिन इस केस में हम इस केस में जो ओनर है वही खुद एंटरप्रेन्योर भी है, वही काम करने वाला भी है, तो ऐसे लोगों का जो सैलरी होती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट बन जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन सेक्रीफाइस। ABC, ए को 10,000, बी को 20,000, सी को 30,000। तो सी पर काम करने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन मतलब 20,000, बी पर जो काम करना, बी ऑप्शन पर जो पैसा मिलता, वही सी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अब आते हैं टोटल कॉस्ट, ओके। मनी कॉस्ट है, मनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ फर्म
फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी और सर्विस, उसी को हम मनी कॉस्ट का नाम दे रहे हैं। मनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ फर्म फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी और सर्विस। टोटल कॉस्ट क्या है? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म इन प्रोड्यूसिंग इन प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। इसमें टोटल कॉस्ट जो है, जो सम है, ये एक्चुअली किसका है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि यहाँ दिखाया गया डायग्राम से और फार्मूला के माध्यम से। टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। अब इस में डायग्राम को, दोनों डायग्राम को ऐड कर दिया गया है। टीवीसी हम जानते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज द पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, और टीवीसी और जीरो से ओरिजिनेट होता है, क्योंकि जब जीरो लेवल का आउटपुट होता है तो जीरो वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ओ मीन्स जीरो पॉइंट, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। और टीवीसी और टीएफसी को जोड़ देते हैं तो टीसी टीवीसी के ऊपर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है टीसी और टीवीसी के बीच, वो डिस्टेंस टीवीएफसी का है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डिस्टेंस है। नेक्स्ट आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट विच आर इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड वॉट एवर मे बी द स्केल ऑफ आउटपुट। दिस कॉस्ट आर प्रेजेंट इवन वेन द आउटपुट इज जीरो, मतलब आउटपुट का लेवल कुछ भी होगा, ये कॉस्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमेशा बनी रहेगी। चाहे एक जीरो आउटपुट करो, चाहे 10 आउटपुट करो, चाहे 20 आउटपुट, जो भी मशीन हम कर लगाते हैं उसकी क्षमता जो भी होगी, ठीक है, तो वो लगनी। दीज कॉस्ट आर प्रेजेंट इन शॉर्ट रन बट डिसअपियर इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में ये सारे कॉस्ट काम करेंगे, लेकिन इसके जो है लॉन्ग रन में स्थिति नहीं होगी। तो चलिए, टीएफसी क्या है? हमेशा फिक्स्ड है, 10 10 10 10 फिक्स है। दीज कॉस्ट आर प्रेजेंट इन द शॉर्ट रन बट डिसअपियर इन द लॉन्ग रन, और इसका डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। टीएफसी इज पैरेलल टू द आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट के अन्य ये तीन नाम भी हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। टी वी सी और वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द वेरिएशन इन द आउटपुट। दिस कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट। दिस कॉस्ट आर जीरो when output is zero, 0 1 2 3 4 5, 0 10 16 25 38 55, ये हमारा टी वी सी है। और इसको देखने से पता चलता है कि 0 से 10 10 से 16, ठीक है, और फिर 25 से 38 38 से 45। तो इस तरीके का ये इसमें परिवर्तन दिखाया जाता है। परिवर्तन का की रूपरेखा क्या है, इसको हम आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर टी वी सी है, और यहाँ पर टी वी सी और टी एफ सी के बीच का डिफरेंस दिया गया है, और हम इस डिफरेंस को नीचे से पढ़ते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये उल्टा हो गया है। टी एफ सी की जगह टी वी सी होना चाहिए, और टी वी सी की जगह टी एफ सी होना चाहिए, मतलब दोनों एक्सचेंज हो जाएगा, स्वैप करना पड़ेगा। तो हम जब टी वी सी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, हम टी एफ सी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ पर। तो टी एफ सी, जहाँ टी वी सी बोल रहे हैं वो टी एफ सी आप समझेंगे। तो टी एफ सी डोंट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट है टी एफ सी रिमेन फिक्स्ड इन शॉर्ट पीरियड। टी एफ सी कैन नेवर बी जीरो। टी एफ सी कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टी एफ सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आते हैं टी वी सी। टी वी सी वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। टी वी सी कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ शॉर्ट पीरियड दैट इज जीरो। कॉस्ट इनकर्ड ऑन ऑल वेरिएबल फैक्टर्स। टी वी सी क्या है? कॉस्ट इनकर्ड ऑन ऑल वेरिएबल फैक्टर्स। और लास्ट बट लिस्ट अपवर्ड स्लोपिंग। टी वी सी क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का है कि रिलेशनशिप बिटवीन टी सी, टी एफ सी एंड टी वी सी। तो जल्दी से इसको रीड आउट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो इवन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज जीरो, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एट अ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, जीरो हो ही नहीं सकता ये। इवन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज जीरो, जीरो होगा आउटपुट लेकिन टोटल कॉस्ट जीरो नहीं सकता। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों है? फिक्स कॉस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। फिक्स कॉस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है एंड कॉन्स्टेंट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जीरो लेवल के आउटपुट पर कॉन्स्टेंट रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। जिससे आउटपुट बढ़ता है टोटल कॉस्ट भी बढ़ता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है टी एफ सी इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टी सी एंड टी वी सी, टी सी एंड टी वी सी आर एस सेव्ड द राइज इनिशियली एट अ डिक्रीजिंग रेट देन एट अ कॉन्स्टेंट रेट एंड फाइनली एट एन इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी, टी सी एंड टी वी सी कर्व्स पैरेलल टू ईच अदर। टी सी और टी वी सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो टी एफ सी का है, टी एफ सी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, इसलिए टी सी और टी वी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं। चलिए इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।